कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी अपनी आईटीज डेली ब्लॉग पे आपका स्वागत है। आज पूरी में हमारा सेकंड डे है। आज सुबह का मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। थोड़ा सी बीच जा रहे हैं, तो मैं पापा को ना कल बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी कि चलो थोड़ा से निकलते। पापा देन कि हाँ ठीक है चलो हम थोड़ा, बट हम यूट्यूबर्स की जिंदगी यही है। अभी वीडियो अपलोड हो रहा है, अब इसको टाइम लगेगा होने में। कोई नहीं, हम बाहर से घूम के आ जाएंगे। तब तक ये शायद उस टाइम स्टॉप हो जाएगा, बिकॉज वो की को उठा लेना है। मेरे को बाल थोड़ा कंघी करना है, देन आई एम सॉर्टेड। आई एम सो एक्साइटेड। चलते चलते चलो। समुंदर को देखती हूँ। ओह गॉड, कितना पास आ गई मैं। এদিকে তাকাও, একটু ফেস করো।
के जेट स्की में बैठने वाली हूँ, आई एम सो एक्साइटेड। और भाई ना मैंने मुझे सेफली घुमा के लेके आना पागल हो जा रही हूँ। तो आप लोग भी देख लो, कैमरा लेके तो सी में तो पापा के पास कैमरा रहेगा तो पूरा कैमरा हैंडल करेंगे आज मेरे पापा। चलो जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे। बिल्कुल सेफ है। और जो भी भैया लोग लेके जाते हैं बहुत सेफली घुमा के लेके आते हैं, तो बिल्कुल डर की कोई बात ही नहीं है। सिर्फ गोवा में क्यों, उड़ीसा वालों पूरी में भी आके एंजॉय करो। चलो अभी लाइफ जैकेट खोलने का टाइम आ गया। आओ तुम्हारे कौन है ना? हेलो बोलिए कौन? मुझे चैनल अच्छी बात चैनल यूट्यूब पे तो दे दे मैं वो। हमारा नाला मिसाल बनाया मोटो आ गया। गुड्डू हाउ वो चैनल और ना होती आपकी अपनी आई योर नेम मैम? सुवर्णा दे। सुलोकना दे ओके एंड सर योर्स? कमल दे। ओके इनका जर्सी का वाटर स्पोर्ट्स का बिजनेस है एंड प्राइस वगैरह आप थोड़ा बता दीजिए। इन जेट स्की इट्स 500 रुपीस। So now we have only started with jet skis. Okay. And during the month of November till February, you get boat rides here, approximately 300 rupees per person. Okay. We have a setup in Cuttack also. In Cuttack, there are a lot of rides like jet skis, speedboats, banana, bumper, kayaks, canoes. Okay. So they vary different. There are different prices. They vary. Okay. Thank you. Thank you. बहुत अच्छा लगा। दे आर सैनिटाइजिंग इट वेरी वेल, लाइक थर्मल चेकिंग वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे हैं। देन आफ्टर दैट जेस्की में हम जा रहे हैं, वो शूट करना मैं भूल गई, नो प्रॉब्लम। लाइक आई एंजॉयड लॉट लाइफ में, फर्स्ट टाइम बीच समुंदर में गई मैं, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा मज़ा आया मेरे को। इट्स लवली। जेस्की करना हो गया, नाउ कैमल राइड। ये मम्मी और मैं बैठेंगे, है ना बाबा? बहुत मजा आया दोस्तों, आई वॉज लाइक लिटरली इतना मजा आया, कैमल राइड, जेट स्की, फिर बीच में इतना टाइम स्पेंड करना, बहुत मजा आ रहा था। अभी थोड़ा थक गई हूँ मैं, वाटर स्पोर्ट वगैरह करने के लिए थोड़ा ज़्यादा कैलोरीज बर्न हो गए मेरे, अभी पेट पूजा करने का मन कर रहा है, भूख भूख लग रहा है।
मम्मी कैमल राइड में क्या मजा आया? बहुत बहुत मजा आया, मेरे को तो बहुत मजा आया इसका। मेरे को तो हमेशा कुछ ना कुछ करने से मेरे को मजा आता है। लेकिन सीरियसली जेट स्की वाज लाइक बहुत अच्छा लगा। मेरा ना ड्रीम था मैं जेट स्की में बैठूंगी, वाटर स्पोर्ट, मेरा पैराग्लाइडिंग वगैरह ये सब करने का बहुत मन है। यार फर्स्ट टाइम मैं कोई वाटर स्पोर्ट्स में गई तो मेरे को बहुत मजा आया। लिटरली आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी दोस्तों, बहुत ज़्यादा। चलो थोड़ा पैर धो के आती हूँ। कि ठंडा अभी है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि अभी हम जा रहे, लेकिन फिर भी सी बीच से जाने का मन किसको करता है। लुक एट द व्यू, कि ठंडा, वो ठंडा ठंडा पानी, ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए। स्विमिंग आए या ना आए, समुंदर में आना चाहिए। अभी ज़्यादा रहूँगी ना, पापा फिर बहुत ज़्यादा चिल्लाएंगे, तो ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं। बहुत कुछ आज करवा दिए, कैमल राइड हो गया, जेट स्की हो गया, तो ज़्यादा करने से फिर प्रॉब्लम है। सब कुछ मेंटेन करके चलना पड़ता है ना दोस्तों। अभी चलो, पापा पैसा दे रहे वो सीट वाले को। हाँ चलो, देखा मैंने अभी बोला ना चलो मतलब चलो। आई नो माय पापा ना, ज़्यादा टाइम रहने से शेर बन जाते हैं। रूम पे वापस आ गए, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, फिर ब्रेकफास्ट भी करूंगी, बहुत भूख लग रहा है। लुक एट माय फेस, लाल टॉप में लाल हो गई मैं। आफ्टर बाथ एक ऐसे नॉर्मल अपने आपको थोड़ा वॉश कर लेना है, बालू वगैरह से रूम में ना जाए। तो मैंने तो नहाया नहीं है, बस नॉर्मली तो वॉश कर लेना थोड़ा। सैनिटाइजेशन होने वाला है, रेगुलर बेसिस हो रहा है भैया, सब दिन हो ची, सब दिन सैनिटाइजेशन। वाओ बालकनी जैसे, फर्स्ट टाइम लूची आलू तरकारी, आलू की सब्जी, मम्मी ब्रेड खाएगी, मेरा और पापा के लिए लूची और आलू चकचुरी, मिठाई, रसगुल्ला। मैं क्या होता है, सुबह उठो, खाना खाओ, फिर थोड़ी देर बाद घूमो फिरो, फिर आओ, फिर लंच करो। तो अभी लंच में आज फ्राइडे तो वेज खाएंगे हम लोग, तो अभी क्या क्या मंगवाए देख लेते हैं। बेगुन भाजा, ब्रिंजल फ्राई, ये आलू फ्राई है, ये शुक्तो, ये मूंग दाल, आलू पोस्तो एंड राइस। गुड इवनिंग दोस्तों, अभी शाम के 5 बज रहा है, धूप आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा है। अभी जा रहे हैं हम लोग मंदिर में, मंदिर में अभी जा रहे हैं हम लोग फिर से मंदिर। पूरी में अगर 2-3 दिन रुक रहे तो मंदिर जाना तो बनता ही है।
मंदिर से घर वापस आ गए, बहुत अच्छा दर्शन हुआ, मतलब आज तो कल से भी ज़्यादा खाली था, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। तो अभी डिनर ऑर्डर करूँगी, आज तो वैसे भी वेज है हमारा, डिनर वगैरह करने के बाद एकदम आराम से सो लूँगी। आँख का हालत देखो ऐसे हो गया पूरा, ऐसे ऐसे फ्रेश हो जाती, मैं बोलूँ फ्रेश हो जाती हूँ थोड़ा, फिर भी मिलती हूँ आपसे। मैं खा रही हूँ वेज नूडल्स, मम्मी रोटी एंड आलू की सब्जी, पापा खा रहे ढोका डालना एंड रोटी। अभी रात को इधर थोड़ा बालकनी में बैठी हुई थी, मैं सोची हुई इधर ही आज का ब्लॉग एंड कर देती हूँ। तो बस दोस्तों आज का ब्लॉग यही था कि आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, हिट द बेल आइकन। फिर कल हाजिर हो जाऊँगी एक नया और मज़ेदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और हाँ पूरी का ब्लॉग अभी भी आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड।